दोस्तों जब हम बच्चे होते हैं तो अपने आप को डांट खाने से बचाने के लिए चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब किसे पता था कि यही इग्नोर करने वाला तरीका सैयद अहमद नाम के ये जनाब आजमा कर चोर को भी भगा सकते हैं। क्योंकि जब एक शख्स बंदूक लेकर इन्हें डराने की कोशिश कर रहा था तो इन्होंने बिना घबराए उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपना काम करने में लगे रहे, जिस वजह से थक हार कर इस ब्लैक हुडी वाले शख्स ने भी काउंटर से चुपचाप निकलने में ही अपनी भलाई समझी। और तब जाकर सैयद अहमद ने पुलिस को फोन करके इसके बारे में बताया। ऐसे में अगर ये उस टाइम डर जाते तो इनका अच्छा खासा चूना लग जाता। दोस्तों चोर अक्सर चोरी करने के लिए ज्वेलरी शॉप ही देखते हैं, क्योंकि ज्वेलरी शॉप में एक साथ इतनी ज्यादा प्रीशियस चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी भी काफी टाइट होती है। अब जैसे कि आप इस टीनेज लड़के को देख लीजिए, जिसे ऐसा लगता है कि इसने बड़ा परफेक्ट प्लान बनाया है, क्योंकि ये दुकान में जाते ही एक मोटी सोने की चेन पहनने के लिए मांगता है और फिर उसे लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसे क्या पता है कि इस ज्वेलरी शॉप में इंसान आ तो अपनी मर्जी से सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। तभी तो ये एक ही झटके में इतनी बुरी तरह फंसे कि क्या ही बताएं। जैसे कि हमने कहा कि अगर आपको मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करनी हो या फिर लोगों को सजा दिलवानी हो तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती। आपके पास जो चीज है आप उससे ही लोगों की मदद कर सकते हो। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये जो BMW आप देख रहे हैं इसमें बैठा इंसान इस कार को चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस और CCTV कैमरे की नजर लगातार इस पर बनी हुई थी, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से इसे लगा कि आज तो इसका काम तमाम, इसलिए इसने अपना स्केटबोर्ड निकालकर भागने की कोशिश की। पर स्केटबोर्ड वाले आइडिया की वजह से इसकी स्पीड और ज्यादा कम हो गई, पर एक पल के लिए ये भाग भी जाता। लेकिन तभी इस लाल गाड़ी वाले शख्स ने पुलिस को इसके पीछे भागते हुए देखकर अपनी गाड़ी से इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया और खतरों के खिलाड़ी बनने चले इस चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वैसे दोस्तों हर बार ताकत से काम हो जाए ये जरूरी नहीं, कभी कभी लोगों को बचाने के लिए ऑब्जर्वेशन भी जरूरी होता है। और यहाँ भी ये आदमी जब बैंक पहुँचा तभी वहाँ पर एक शख्स बैंक को लूटने बंदूक लेकर पहुँच गया। इस तरह की सिचुएशन में कोई भी पैनिक कर सकता था, लेकिन जेम्स ने बड़ी शांति से सिचुएशन को संभाला और ये बहुत जल्दी समझ गए कि चोरी करने आए इस शख्स के हाथ में जो गन है वो नकली है। और ये पता चलते ही जेम्स भला कहाँ रुकने वाले थे, इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उस बदमाश शख्स का पीछा करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने उस बदमाश का तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक पुलिस ने उसे पकड़ नहीं लिया। दोस्तों आप लोगों ने कई सारी फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जैसे कि कोई बैंक में डकैती करने आता है तो उसकी बंदूक से डर कर हर कोई नीचे झुक जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बैंक मैनेजर थोड़ा हटकर थे, जिन्होंने अपने बैंक के अंदर इस बदमाश को जब आते हुए देखा तो तुरंत झटके से दरवाजा बंद कर लिया। वैसे तो इस बदमाश ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा ये बैंक मैनेजर कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। इसने बिना एक भी पल की देरी किए दरवाजे को छोड़ा नहीं और अंत में थक हार कर इस डकैती करने आए बदमाश को वापस अपनी कार में लौटना पड़ा। दोस्तों मजा तो तब आती है जब बुरे लोगों को वही झेलना पड़ता है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया होता है। और यहाँ भी जब ये शख्स इस कैश काउंटर में मौजूद महिला को धमकी देता है और फिर उससे सारा पैसा भी हड़प लेता है, महिला भी उसे चुपचाप पैसा दे देती है क्योंकि वह किसी तरह की नौटंकी नहीं चाहती थी। लेकिन इस महिला ने अपनी बहादुरी तब दिखाई जब ये शख्स काउंटर पर बंदूक छोड़कर नीचे पैसे उठाने के लिए झुका और उतनी देर में महिला ने बंदूक उठाकर इस शख्स पर ही तान दी।
अपने सिर पर बंदूक तनी देख ये बदमाश भी इस जगह से चुपचाप भाग गया। वैसे दोस्तों कई बार कुछ ऐसे चोर भी होते हैं जिन्हें रोकने की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी बेवकूफी से ही अपना पोपट करवा जाते हैं, ठीक इस शख्स की तरह जो कैश काउंटर पर जैसे कि गन के कैशियर को डराने चला, वैसे ही इसकी गन काउंटर के उस पार चली गई और फिर इसे उठाने के चक्कर में इनकी पैंट का नारा भी ढीला हो गया जो बाहर भागते टाइम खुल भी गई। वाकई में ये किसी फिल्मी कॉमेडी सीन से कम नहीं है, क्योंकि किसी चोर का इतना ज्यादा बेवकूफी करना नॉर्मल लाइफ में तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको रियल लाइफ सुपर हीरोज के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। अब आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।